हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पनीर भुर्जी, लेकिन नॉर्मल पनीर भुर्जी नहीं बना रहे हम, बहुत ही अच्छे ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं, मसालेदार पनीर भुर्जी बना रहे हैं दोस्तों हम। और इसको अगर आप एक बार बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ दोस्तों कि कभी भी कोई गेस्ट आपके घर में आएगा तो ये डिश तो आप ज़रूर बनाएंगे उसको खिलाने और इम्प्रेस करने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा कप पानी में 2 बड़े चम्मच विनेगर का ले लिया है। आप चाहें तो 2 बड़े नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का जूस दोस्तों छान करके इस्तेमाल करें। अब चलिए हम दूध उबाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर टोंड मिल्क लिया है। इसको हम उबालेंगे तो इसमें लगभग 350 से 400 ग्राम पनीर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दूध उबल गया है, गैस मैंने बंद कर दी है और दूध को लगातार चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके मैं विनेगर का पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और दूध को हम फाड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दूध यहाँ पर फट गया है। अब इसको हम छान लेंगे। छानने के लिए मैंने बोल में एक छन्नी डाली है और छन्नी के ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा डाल दिया है। इसमें अब मैं दूध को छान ले रही हूँ। आप देख सकते हैं, इस पानी को आप चाहें तो आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। ये पानी काफ़ी पौष्टिक होता है दोस्तों। और पनीर को हमें यहाँ पर दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्रम्बली पनीर ही यूज़ करना है। इसको अब हम एक साइड में रख देंगे जब तक हमारा पनीर ठंडा हो रहा है। चलिए हम बेसन भून लेते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है एक कढ़ाई में। इसको हम मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसमें जब हम ये बेसन ऐड करें तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आए। बेसन भुन गया है दोस्तों, इसको मैं एक साइड में रख रही हूँ। और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जितना तेल का ले लिया है। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा दोस्तों क्योंकि अच्छी हम मसालेदार पनीर भुर्जी बना रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे जिसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। साथ के साथ 1 छोटा चम्मच मैंने जीरे का ऐड कर दिया है। जीरे के चटकने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें 2 प्याज जो कि मैंने मीडियम साइज़ की ली थी बारीक चॉप करके ऐड कर दी है। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे दोस्तों लगातार चलाते हुए, तब तक जब तक हमारी जो प्याज है वो अच्छी सुनहरी ना हो जाए। लगभग 5 से 6 मिनट लगे हैं दोस्तों मुझे और आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पर भून के बिल्कुल अच्छी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ के साथ थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे जिसमें 1 छोटा चम्मच सिर्फ मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, नमक डाला है स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का डाला है मैंने और कलर अच्छा आने के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके मैं लगभग 1 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। अब उसके बाद यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ दोस्तों। 2 टमाटर है जिसको कि मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको हम ऐड करके मसाले को तब तक भुनेंगे जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल ना जाएं। लगभग 4 से 5 मिनट लगेगा और 4 से 5 मिनट में ही हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगे और मसाले जो हैं वो तेल भी छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, टमाटर भी भुन गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुनने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर डाली है 1 कप। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो टमाटर के साथ ही इसको डाल के अच्छे से भून लें ताकि हमारी जो मटर है वो भी साथ के साथ गल जाए। साथ के साथ यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हमारा बेसन जो हमने पहले ही भून के रखा था। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। मिक्स करने के बाद इसको लगभग 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी ताकि जो हमारी मटर है वो भी अच्छे से पक जाए और साथ के साथ बेसन भी मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पर बेसन अच्छे से भुन चुका है दोस्तों, मसाले में बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। तो अब यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच क्रीम का डाल रही हूँ। क्रीम नहीं है अगर आपके पास तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। लगभग 2 बड़े चम्मच जितना मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया है। इससे इसका फ्लेवर यकीन मानिए दोस्तों काफ़ी अच्छा आएगा। तो क्रीम को दोस्तों बिल्कुल स्किप ना करें और इस सब्जी में क्रीम को ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का डाला है और 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी का डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले को थोड़ा बॉडी मिल जाए। आप घबराएं नहीं दोस्तों, पानी पानी नहीं होगी हमारी सब्जी, मसाले वाली सब्जी नहीं बनेगी ये सब्जी, हमारी सूखी ही रहेगी। यहाँ पर मैंने पनीर को भी ऐड कर दिया है साथ के साथ और साथ के साथ ऐड किया है थोड़ा सा धनिया का पत्ता। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लगभग 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है दोस्तों। तो बस गैस को बंद करिए और गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।